इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर हेड कांस्टेबल बनेंगे 21,000 से ज्यादा सिपाही। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 21,295 सिपाहियों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हुई है। डीजीपी के अनुमोदन के बाद जिलों को ये सूची भेजी जाएगी। 2011 तक भर्ती सिपाहियों के प्रोन्नति के लिए ये प्रस्ताव भेजे गए थे। भर्ती बोर्ड ने स्क्रीनिंग के लिए कुल 6 विभागीय पदोन्नति समिति बनाई थी। समितियों की स्क्रीनिंग में 21,295 को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लगातार बने हुए। अश्विनी, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? 21,000 से ज्यादा सिपाहियों की पदोन्नति की जाएगी। उत्तर प्रदेश के में 21,295 जो सिपाही थे उनको हेड कांस्टेबल के पद पर जो प्रमोशन मिलने वाला। निश्चित तौर पर इसको लेकर के 6-10 सदस्यीय जो समितियां बनाई गई थी प्रोन्नत बोर्ड की ओर से, जिन्होंने बाकायदा स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग के दौरान 21,777 जो सिपाही थे उनको रखा गया था। इसमें से जो समिति थी उसके द्वारा 21,295 सिपाहियों को ही जो प्रमोशन के लिए उपयुक्त पाया। निश्चित तौर पर 2011 बैच से पहले जो सिपाही हैं उनको इस प्रोन्नत में लाया गया है और निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में जो है जो ये सिपाही हैं ये हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। अभी जो प्रोन्नत बोर्ड की ओर से रिपोर्ट है वो डीजीपी ऑफिस को भेजी गई और अगले कुछ दिनों में डीजीपी ऑफिस से ये रिपोर्ट जिलों में पहुंच जाएगी और उसके बाद जो ये सिपाही होंगे वो हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। जी, इस खबर को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी खुशी देखने को मिल रही होगी। निश्चित तौर पर प्रमोशन को लेकर के काफी जद्दोजहद रहती है पुलिस विभाग में और कहीं ना कहीं जब प्रमोशन मिल रहा है तो निश्चित तौर पर जो सिपाही हैं जो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे हेड कांस्टेबल बनने का, उनका अब इंतजार खत्म हुआ और अगले कुछ दिनों में सिपाही से हेड कांस्टेबल बनने वाले हैं। जी चलिए, ठीक।